तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से बड़ा अपडेट यहां पर दिया गया, छह बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है तो अभी जान लीजिए छह बड़े बदलाव क्या है और इससे आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा। इससे पहले भी कई बैंक के जिनमें एस बैंक की बात करें या पीएमटी की बात करें, इसमें काफी बड़ा यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा है। तो फटाफट से जान लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक ने क्या यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 1 अप्रैल से पहले ये नियम यहाँ पर सामने आ रहे हैं और 1 अप्रैल से इनको लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन आप पर इन नियमों का क्या असर पड़ने वाला है, तो एक एक करके हम छह बड़े नियमों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि स्टेट बैंक ने, जो भारतीय स्टेट बैंक है बड़ी बैंक है, इसने क्या यहां पर बड़े बदलाव किए हैं। तो एक ही दिन में जो है 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और आप पर इन फैसलों का क्या असर होने वाला है, इस पर सबसे बड़ी यहां पर पहली बड़ी खबर जो है वो आपको खुश कर सकती है। लेकिन 4 और बड़ी खबर भी आपको जानना बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। पहली बड़ी खबर जो है आपको खुश कर रही है, क्योंकि अब जो है मिनिमम बैलेंस का झंझट खत्म हो चुका है। अगर बात करें तो नई दिल्ली की तरफ से बड़ी अपडेट है और देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बुधवार को अपने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया। तो बैंक ने सभी तरह की सेविंग बैंक अकाउंट पर एवरेज मंथली बैलेंस यानी ABM की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बैंक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैंक के ग्राहकों को परेशानी मुक्त बैंक सेवा उपलब्ध कराने के लिए देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। SBI के इस फैसले से 44.54 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। इस तरह से इस समय मेट्रो सेमी अर्बन और रूरल इलाकों में जो है क्रमशः 3,000, 2,000, 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस करना होता है। लेकिन अब आपको यह सुविधा यहां पर SBI की तरफ से दी गई कि आपका अगर बैलेंस जीरो में रहता है तो आपका जो बैंक खाता है वो खत्म नहीं होगा, वो सुचारू चालू रहेगा। तो दूसरा बड़ा अपडेट यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट रेट पर निकल कर आ रहा है। फिक्स डिपॉजिट की अगर बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जो समावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर में कटौती कर दी गई है। कितनी कटौती की गई, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 1 साल से लेकर 5 साल की अवधि के लिए FD के ब्याज को बैंक ने 6% की बजाय अब आपको 5.9% ब्याज ही मिलेगा। तो ये बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तीसरा बड़ा अपडेट जानते हैं आपको, तो तीसरा बड़ा अपडेट जो है पर्सनल लोन और कार और पर होम जो लोन है उनको सस्ता कर दिया गया है। तो SBI ने जमा पूंजी पर ब्याज दर कम किया है, लेकिन दूसरी तरफ होम लोन पर राहत दी। इस वित्तीय ब्याज में यहां पर दरों में 10% कटौती करते हुए ब्याज दर में 10 से 15 बीस पॉइंट तक की कटौती की गई है। तो 10 मार्च से ये बड़ा अपडेट यहाँ पर जारी हो चुका है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 7.85% की बजाय आपको 7.75% हो जाएगा। इसके अलावा SBI ने लॉकर चार्ज बढ़ा दी गए हैं। अगर आप पर्सनल जो आपके काम के कागजात हैं, आप कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है घर पर नहीं रखना चाहते या अपन जो है SBI के यहाँ पर लॉकर में रखते हैं, तो उस पर आपको चार्ज ज्यादा देना होगा। इसके इजाफा यहाँ पर 500 से लेकर 3,000 रुपए तक का हुआ है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी मेट्रो सिटी में SBI की लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको 1500 रुपए की बजाय आपको 2000 रुपए का रेट देना होगा। सभी ब्रांचों में इस चार्ज में 33% तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा नया अपडेट जो है कि अब आपको मुफ्त मिलेगा SMS यानी कैश निकालते समय या तमाम ट्रांजेक्शन के मैसेज के लिए। अगर आप SBI में खाता धारक हैं तो आप इस तरह के कामकाज करते हैं कि आप पैसे निकालते हैं जमा करते हैं, तो आपको जो है SMS आता है उसका चार्ज आपको पैसे आपकी तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन आपको आप ये मुफ्त सुविधा SBI बैंक की तरफ से ही दी जाएगी, यानी आपको SMS का कोई भी चार्ज आप देना नहीं होगा। तो ये कुछ बड़े अपडेट जो है SBI की तरफ से निकल कर आ रहे थे, उसको जानना बेहद आपको खास जरूरी था। आपको क्या लगता है SBI की तरफ से कौन सा जो है नया अपडेट जो है आपको अच्छा लगता है, तो आप प्लीज अपनी राय प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।